और इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, देखिए सबसे दुखद समाचार, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली है। 28 दिन से लगातार उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी था। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वेंटिलेटर पर लता जी थी लगातार, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। 8 जनवरी से अस्पताल में वो भर्ती थी, 28 दिन से उनका इलाज यहाँ पर था और डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी थी। लेकिन सबसे दुखद समाचार इस वक्त पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न ने 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। यह सबसे दुखद समाचार। नहीं रही हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, लगातार वेंटिलेटर पर थी लता जी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। बीते 28 दिन से उनका इलाज चल रहा था और एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद जानकारी, और मेरी सहयोगी सोनल इस वक्त जुड़ रही है ब्रीच कैंडी अस्पताल से। सोनल, ये सबसे दुखद समाचार पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी हमारे बीच नहीं रही। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.